खुश आमदीद है आप सबका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बाजी की दुनिया कनाडा में। एंड गाइस, आपको पता है कि हम मूविंग कर रहे हैं, तो ये है आज की कहानी मेरी मूविंग की। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मेरे बेटे ने जो लेगोज़ बनाए हुए हैं, सो मैं उन लेगोज़ को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपको पता है मूवीज़ में जब मूविंग करनी होती है तो इनका टूटने का बहुत ख़तरा होता है। तो मैंने इसको स्पेशल बॉक्स दिए थे जहाँ पर मैं इनकी चीज़ें संभाल सकती हूँ, तो इसमें मैंने संभाला ये। अभी बड़े वो भी ये भी ना ये वाली भी ट्रेन जो है ना ये भी लगा हुआ है, इसने बड़ी मुश्किल से बनाई है हमको ये। हाँ ये भी लगा हुआ है इसने, पता है 3 दिन लगा के बनाई है ये। इसके बाकी के पीसेस हैं, ये ट्रैक पर चलती है लेकिन ये लगा हुआ है। ये देखिए एक और पीस भी है, ये ऐसे ना, हाँ ऐसे जुड़ जाती है, दिखाना वीडियो पर, ऐसे जुड़ जाती है ये, तो फिर ट्रैक पर चलती है, इसको कहाँ रखना है। इसके लेगोस बहुत ही सेंसिटिव थे, तो हमने इसको ना इन बॉक्सेस में रखा, और इसको मैंने बॉक्स में डाल के ना गैराज में नहीं रखा, इसको मैंने अपने सामने रखा था। और ये मैं पैक कर रही हूँ मेरा कंप्यूटर का मॉनिटर, इसको मैंने बबल रैप किया है क्योंकि मुझे बहुत डर था कि टूट ना जाए मूविंग के दौरान। तो मैं इसको टेस्ट कर रही थी कि अगर सिंगल काफ़ी है या मैं डबल करूँ, फिर मैंने इसको डबल कर दिया बिकॉज़ मुझे लगा कि सिंगल से ना ये इसकी स्क्रीन टूट सकती है। मुझे बहुत पसंद है मेरा कंप्यूटर और कंप्यूटर स्क्रीन मैंने बहुत शौक से ख़रीदा था, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती थी मूविंग के दौरान ये टूट जाता। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा टीवी जो हमने कैसे उसको भी रैप किया। फिर हमने लंच ब्रेक ली, हम इतना थक गए थे, हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा ये है चिकन बाइट्स, इसकी भी बहुत फ़नी स्टोरी है। हमने पिज़्ज़ा हट ऑर्डर करना था, तो क्या हुआ, मैंने जब कॉल किया मैंने ऑनलाइन देखा और मुझे कोई चिकन का रेसिपी नहीं मिल रही थी, पिज़्ज़ा में कोई भी चिकन अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने उनको कॉल की, कहा मुझे चिकन अरेबियाटा चाहिए, उसके ऊपर चिकन चाहिए मुझे, तो वो कहते हैं हम चिकन नहीं है हमारे पास ना, हम आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो मैंने कहा क्या आपका स्टोर सिर्फ आउट ऑफ स्टॉक है या फिर पूरा पिज़्ज़ा हट आउट ऑफ स्टॉक है। उन्होंने कहा कि पूरा हमारा जो पिज़्ज़ा हट का जो पीछे से सप्लाई है ना, उनके पास चिकन है ही नहीं और वो सब चिकन से आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो हमें मजबूरन ये पिज़्ज़ा मंगवाना पड़ा, लाइक हमारा इतना दिल कर रहा था ना चिकन पिज़्ज़ा हट खाने को एक्चुअली, और फिर हमें ये पिज़्ज़ा खाना पड़ा। इट्स नॉट रियली माई फेवरेट थिंग, सो वट एवर वी जस्ट डिड इट फॉर वी जस्ट बिकॉज वी हैड टू। फिर पुप्पा ने कहा मुझे चाय बना दो, मैंने कहा पुप्पा चाय का सामान तो कहीं नहीं है। फिर मेरे शोहर बाहर से लेके आई है, आपकी कॉफ़ी आ गई है, ये आपकी स्टीप टी है, हाँ ये वाली ठीक है, ये मेरी डबल डबल है, अब हम ना ब्रेक ले रहे हैं कॉफ़ी के लिए। पुप्पा भी आई हुई थी मेरी हेल्प करने, मुझे पैकिंग करने में, और मेरी बहन भी आई हुई थी, तो उन दोनों ने जब आकर मेरी हेल्प की ना, तो फिर आज तो सारी ही मेरी पैकिंग हो गई, लाइक सारी ही ख़त्म हो गई। और ये देखें पूरी अलमारी भी खाली है, और साथ साथ हम चाय पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, और हम ये पैकिंग की एंडिंग कर रहे थे। कितना टाइम लग गया रात को, पुप्पा भी रात को 1 बजे वापस गई। तो फिर ये देखें मैं आपको लेगोज़ दिखा रही थी बेसिकली, कि मेरी बच्चे ने जो लेगोज़ बनाए, इतने टाइनी वर्क उसने किया, इतना स्मार्ट वर्क किया, वो है पोकेमोन, उसने फिर स्पेस शिप भी बनाई हुई थी, ये उसने सुपर हीरोज़ बनाए हुए हैं, एंड या हिट इट ऑफ वर्क। सो गाइस फनी स्टोरी, वो ना मेरी बहन आ रही है, तो मैंने उसको रिकॉर्ड इसलिए करी थी कि मैं ना रात बाहर खड़ी हुई हूँ, कि वो एक ही सड़क पार रहती है ना, यहाँ पास में रहती है ना, तो मैं यहाँ खड़े होकर ना उसको देख रही हूँ कि वो आ जाती है, तो मैं यहाँ से खड़ी हुई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि उसको ना मैं देख रही हूँ वो वॉक करके आ रही है आधी रात को, तो क्योंकि रात को बहुत डेंजरस होता है, तो मेरे लिए खाना लेके आ रही है। शी इज़ ऑलमोस्ट हेयर, सो आई वॉज़ वेटिंग फॉर हर, कि वो मैंने कहा इतनी रात को तुम वॉक करके आओगे, आज मेरे पास भी गाड़ी नहीं थी, उसके पास भी गाड़ी नहीं थी, तो क्या ये थी कि मैं मूविंग कर रही हूँ तो ना मैं खाना आपके लिए ले आती हूँ कि आप खाना ना बनाना। मैं तो बहुत कहा कि मेरे लिए खाना ना लाओ, मैं कर लूँगी कुछ, तो कहती है नहीं मैं बना कर लाऊँगी दाल चावल, तो फिर मैंने कहा मैं बाहर खड़ी होती हूँ, तुम पास में ही रहती हो, चलो चल कर आ रही हो ना, तो मैं तुम्हें दूर से देखूँगी कि तुम सेफली पहुँच जाओ। और ये देखिए मेरा खाना पहुँच गया, खाना मैं ले आई, एक मिनट, और ये मेरी बहन खाना ले आई है, और ये मेरी बहन लेके आ गई मेरे लिए, सो लेट्स ईट क्विकली, देखते हैं क्या खाने में, बहना क्या लाइयो,
मैं बहुत कुछ लाई हूँ। और मेरी बहन एक्चुअली लेकर आई थी दाल चावल, साथ में सैलड, साथ में कटलेट्स, हैश ब्राउन था आई थिंक, और अचार भी लाई थी। तो उसने ना मुझे रिकॉर्डिंग दी थी, उसने ना रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन से की थी, तो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं। उसने मुझे एयर ड्रॉप करना भूल गई, लाइक उसने अपने घर जाने से पहले मुझे एयर ड्रॉप करना था। तो ये था हमारा डिनर, तो हमने फिर इस तरह से हमारा डे एंड किया आज का। और कल मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी जान के घर, तो मेरे आगे से व्लॉग वहीं से होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, एंड कल 5 AM कैनेडियन टाइम मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हैव अ ग्रेट डे।